खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और आवाज इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नीम का थाना के बास नया बास गांव की अगुआ नाबालिग बेटी को बरामद करने की मांग को लेकर सोमवार को आदिवासी मीना सेवा संघ प्रदेश प्रधान एवं मीना सेना के प्रमुख सुरेश मीना किशोरपुरा एवं बसपा नेता राजेश भाई डॉक्टर के नेतृत्व में सैकड़ों लोग डिप्टी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री डीजीपी एवं आईजी पुलिस के नाम डीएसपी गिरधारी लाल शर्मा को ज्ञापन सौंपा। मीडिया को उन्होंने बताया कि 25 अगस्त 2021 को नाबालिग तनीषा मीना नयाबास से नीम का थाना पैन कार्ड बनवाने गई थी, जिसके बाद 26 अगस्त को कोतवाली थाना पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया। घटना के 6 दिन बाद बालिका नहीं मिलने से पूरे क्षेत्र में आक्रोश है। उधर झुंझुनू जिले के उदयपुर वाटी तहसील के हीरो की रानी तन नंगली दीप सिंह की गाँव की बेटी होने से वहाँ के लोगों में भी भारी आक्रोश है। सुरेश मीना किशोरपुरा एवं राजेश भाईडा ने कहा कि बच्चों के लापता होने के इतने समय बाद भी पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है, उनके साथ कोई भी अनहोनी होने का पूरा अंदेशा है। आक्रोशित समाज के नेताओं ने पुलिस प्रशासन को साफ तौर पर अल्टीमेटम दिया है कि 2 रोज में बच्ची को नहीं लाया गया तो बुधवार को शहर के कोतवाली पुलिस थाने का घेराव कर धरना प्रदर्शन किया जाएगा।